बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो जो है जी ये फीड डेंसिटी टेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में है। तो आज आपको इसकी फीड डेंसिटी टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं जी, ये परफार्मा बना हुआ है तो इसको फीड डेंसिटी टेस्ट के परफार्मे को ओपन करते हैं। इस तरह का एक परफार्मा होगा, पैड की शक्ल में भी होता है। ऊपर देखें आप, वो प्रोजेक्ट का नेम वगैरह सारा कुछ होगा। एक तरफ मोनोग्राम कंसल्टेंट का होता है और इसी तरह एक तरफ जो है वो क्लाइंट का होता है जी। ये देख लिया आपने, फिर नीचे वो डिटर्मिनेशन ऑफ सैंड डेंसिटी उसकी जो है सैंड कोण मेथड के साथ, फिर उसके साथ नीचे कोड भी दिए होते हैं कि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है इन कोड से H2RASTM से मिल सकती है। ठीक है जी, परफार्मा ऐसे बना हुआ होगा, इसके ऊपर सारी डिटेल होती है, रिक्वेस्ट नंबर। तो हम चलते हैं जी आज की कैलकुलेशन की तरफ। तो ये ऊपर जो है उसकी सारी डिटेल है जी, जर्नल जितना भी जहाँ पर वो टेस्टिंग हो रही है उसका प्लेटफार्म वगैरह है, लेयर नंबर जो है उसकी थिकनेस जो है, फिर उसका प्रैक्टर नंबर जो है, फिर टेस्ट लोकेशन जो है, टेस्ट नंबर कितना है, ऑफसेट कितनी पे आप टेस्ट लगा रहे हैं। नीचे चलते हैं जी, नीचे पर फार्मे के मॉड्यूल कंटेंट होगा जहाँ पे आपने उसका MC चेक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो कैन नंबर होगा आपके पास जो होता है, फिर उससे नीचे कैन का वेट किया हुआ है 230 ग्राम है। इसी तरह नीचे फिर जो आप सैंपल लेते हैं वो इंक्लूड होता है 230 ग्राम इसमें, तो सैंपल का वेट हो गया 847.9 जो है, ये आपका सैंपल का वेट हो गया। फिर आप इसको ड्राई करेंगे उसके बाद जो वेट किया है तो आपके पास बच गया जी 814। ठीक है जी, तो जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास जो है जो इसमें पानी ड्राई हुआ है उसका वेट आ जाएगा, वो देख सकते हैं आप 33.9। ठीक हो गया जी, इसके बाद नीचे जो होगा वो वेट ऑफ ड्राई सॉइल है। तो आपने जब 814 जो वेट आपका ड्राई किया हुआ है उसमें से माइनस आप करेंगे वेट ऑफ कैन तो आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास ड्राई वेट निकल आएगा 584। ठीक हो गया जी, इसी तरह जो आपका वेट ऑफ वाटर है वो 33.9 तकसीम जो है वो आप करेंगे ड्राई सॉइल के ऊपर, और ये आप करेंगे ज़रब 100 करेंगे तो आपके पास जो है वाटर कंटेंट आपका मौके पे निकल आएगा। ठीक हो गया जी, इससे नीचे आप चलेंगे तो फिर आपकी फीड डेंसिटी टेस्ट की कम्पेक्शन आप चेक करते हैं। ऊपर देखा हुआ है कि ये फीड डेंसिटी टेस्ट आपने, ये देखें फीड डेंसिटी टेस्ट। सबसे पहले वेट ऑफ वेट सॉइल, मेरी एक प्रैक्टिकल जो है इसका काम साइड पे जैसे FDT लगाया जाता है वो भी एक वीडियो है, लेकिन मैं इसमें जो है आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ। कैलकुलेशन इसकी इस तरह की जाती है, सबसे पहले आपने जो वेट लिया है जी साइड पे एक्सवेशन वेट जो जितना भी होगा आपके पास वो 7416 ग्राम। ठीक है जी, उसमें आपने शापर इस्तेमाल किया जिस बैग में डालते हैं तो उसका 24 ग्राम वजन है, तो वो आप माइनस करेंगे तो आपके पास 73.9392 ये आपका ग्राम्स में है, ये वेट आ गया, ये नेट वेट है जी आपका सॉइल का। ठीक है जी, इसके बाद आपने कोन में सैंड भर के, कोन को सैंड के भर के एक वेट करते हैं तो वो वेट आप नोट कर लें सबसे पहले। ठीक है जी, जो यूज़ करने से पहले आप करते हैं। ठीक हो गया जी, फिर आप उसके ऊपर पेट के ऊपर लगा देते हैं जो बाकी आपके पास सैंड बच जाती है, ऑल भी फेल हो जाता है, कोन भी फेल हो जाती है, तो रिमेनिंग जो सैंड होती है उसको आप वाल बंद करके कोन का वेट जो करते हैं वो ये है जी 25.58। ठीक हो गया जी, ये रिमेनिंग वेट है आपका 86.57 में से 25.58 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है जी वेट 60.99 6099। ठीक है जी, ये आपके पास वेट आ जाएगा कोन का और ओल में जो रेत की है। ठीक है जी, उसको में से आपने माइनस करके भी इलादा इलादा करना है जो आपकी कोन कैलिब्रेशन है वो आप 6099 में से 1757 जो है ये आप माइनस करेंगे तो ओल में जो रेत आपकी गई है उसका वेट आ जाएगा 43.42। ठीक हो गया जी, 43.42 जब आएगा तो आपने उसको यूनिट वेट जो आपके पास सैंड का मौके पे चल रहा है यहाँ पे जो है 1.388 है इसके ऊपर आप तकसीम करेंगे तो आपके पास ग्रास वॉल्यूम आ जाएगा जी ऑफ ऑल। ठीक हो गया जी, ग्रास वॉल्यूम
आ जाएगा। ग्रास वॉल्यूम के ऊपर आपने जो आपका ये वेट सॉइल है 73-92 तकसीम करेंगे आप ग्रास वॉल्यूम, तो आपके पास आ जाएगा जी वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल 200 2.363। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने ऐसे करना है, इसमें आपने जो पहले इसका ये मैं मॉइस्चर का भी जिक्र कर देता हूँ, आपने चेक किया जो वाटर कंटेंट आपके पास जो है जी 5.8। ठीक हो गया जी, आपने जो वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल है ये जो है इस में आपने जो आपका 5 जितना भी आया है वो प्लस करें 100 तो वो 105 हो जाएगा, ज़रूर 100 करें तो आपके पास जो है ये ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल आ जाएगा। ठीक हो गया जी, इसके बाद आपके पास ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, ये जो आपका प्रैक्टर होता है वो है उसके मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.234 जो है इसकी ड्राई डेंसिटी तकसीम है 2.265 के ऊपर तकसीम करें, ज़रूर 100 करें तो आपके पास कंपेक्शन आ जाएगी। ठीक है जी, इस परफार्मे में एडजस्ट भी प्रैक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट लगा हुआ है 2.329। ठीक है जी, यानी कि जो इसका लैब की डेंसिटी थी वो 2.265 था, तो जब एडजस्ट इस पर लगाया है तो 2.329। ये डेंसिटी ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल तकसीम है एडजस्ट प्रैक्टर 0/100 तो आपके पास कंपेक्शन 95% ये आई है। ठीक है जी, इस परफार्मे में हमने एडजस्ट भी ऐड किया हुआ है, एडजस्ट का ये आप देख लें कि यहाँ पे हमें जो जो रिक्वायर्ड होती है ये है जी आपका वेट है जी फ्रॉम होल। ठीक है जी, ये आपने का जो वेट आया 3/4 के ऊपर तो आपका 1582 ये वजन आया, इसके बाद आपके पास 3/4 टोटल जो है जी ये देखें वेट ऑफ रिटेन फ्राम होल 21.4% था, तो इसी तरह इसकी पासिंग जो है 78.6 है, तो ये आपको जो कैलकुलेशन इस तरह कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, मैं आप फिर भी आपको दोहरा देता हूँ, ये आप पीछे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपने मॉइस्चर कंटेंट भी लेना है, मॉइस्चर कंटेंट लेने के बाद आपने फिर इस तरह की कंपेक्शन जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप कंपेक्शन मालूम करेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है, ये फील्ड डेंसिटी टेस्ट के बारे में थी, आप फील्ड डेंसिटी की टेस्ट की कैलकुलेशन इस तरह करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।